सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल फोकेट की जानकारी। सो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ गोल्डी जो है 5 रुपये में गोल्डी का हल्दी जो आता है उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लेकर के आ गया है गोल्डी 5 रुपये वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके सबसे पहले इसमें हम खोल देते हैं, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें कितना फीस होता है, कितने रुपये में ये आपको मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह का आपको लरी मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह का पाउच आपको मिल जाएगा, जो कि डिटेल इसमें दिया हुआ है कि इसमें कितना पीस होता है, इसका प्राइस जो दिया रहता है वही इसका पीसेस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए गोल्डी का, ठीक ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम काउंटिंग कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितना पीस होता है और ये कितने रुपए में पड़ता है एजेंसी रेट का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो लरी है, दोनों सेम है, तो एक लरी को हम गिन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक काउंटिंग करने के बाद दूसरा उसका डबल कर देंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक को हम गिनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल गोल्डी का हल्दी है, जो कि हल्दी की क्वालिटी में सबसे बेस्ट क्वालिटी इसी को दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक 15 पीस है, यानी एक पाउच जो होता है, जो इस तरह का पाउच जो है, इसमें टोटल मिला करके 30 होता है, ठीक ना। 30 पाउच एक बंडल में है। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस कितना है, आपको कितना रुपये फ़ायदा होगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपके पास कोई दुकान है किराना का, या फिर कोई जनरल स्टोर है, या फिर आप कोई दुकान खोलना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, और एक काम और कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो कि फ्रेंड्स जितना भी वीडियो आता है सब कुछ आपके काम में आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बंडल कितने रुपए में आता है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रेट है, एजेंसी का रेट है 110 रुपये। 110 रुपये में मिल जाएगा आपको 30 पीस, जो कि इसका बेचने पर आपको टोटल मिलेगा 30 पीस है तो 5 रुपये बिक्री है, तो 5 × 15 यानी 150 रुपये टोटल इसमें इनकम होगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ठीक ना होलसेल का दुकान है, तो जब होलसेल का दुकान रहेगा तो आप इसे 150 रुपये में तो बेचेंगे नहीं, यानी 150 में बेचेंगे नहीं, आपको इसे बेचना होगा 4 रुपये पर, ठीक ना। तो अगर आप इसे 4 रुपये जोड़ करके 30 पीस का निकालते हैं तो यहाँ पर आपको पड़ेगा 120 रुपये, यानी आपको इसे बेचना होगा एक बंडल। अगर आपका होलसेल का दुकान है और छोटे छोटे दुकानदारों को आप देते हैं, तो आपको 120 रुपये में इसे देना होगा। तो यहाँ पर आपको 10 रुपये एक बंडल बेचने पर मिल जा रहा है। अगर आप बहुत सारा बेच लेते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 170 रुपये में गोल्डी का मीट साला मिल रहा है, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो डी माल है, बट डी माल नहीं है। एक बार और जाकर के वीडियो को देख लीजिए, आप जाकर के मेरे चैनल पर वीडियो देखिए, 170 रुपये में मैंने गोल्डी मसाला बताया है, और जो कि ओरिजिनल है, आप एजेंसी से जाकर के पता कर सकते हैं, जो कि एक नया रैपर आया है, उसका थोड़ा सा कलर रैपर का चेंज हो गया है, बट अंदर का जो मसाला है सेम वही है, बट उसका प्राइस 170 रुपये में 60 पीस हो गया है, जो कि बहुत ही सस्ता है, इससे भी सस्ता कहीं पड़ रहा है वो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, यानी अगर आपका कोई दुकान है तो दुकान में कौन सा प्रोडक्ट का रेट आपको क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में कमेंट करिए, मैं बताऊँगा सारा कुछ, उसमें डिटेल में बताऊँगा। सो आज के इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।